सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है और जिसके कारण गांव समृद्ध और संपन्न बने हैं। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बहन और भाइयों, हमारा किसान अन्नदाता है, पर हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि आज हमारे किसानों के फसल को सही दाम मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव होते हैं उसके आधार पर, डिमांड और सप्लाई के आधार पर भाव तय होते हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, तेल बिया सस्ती है, तेल महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने ये तय किया था कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं तो किसान ऊर्जादाता बनेगा और वो सपना मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। आपने देखा होगा कि 7-8 दिन पहले टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला। अब ब्रोकन राइस से, मक्के से, ज्वार से और इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से, जिसको आप मली कहते हैं, हम इथेनॉल बना रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह हुई है कि हम लगातार संशोधन करते रहे, पीछे लगते रहे, पहली बार डेहराडून से दिल्ली स्पाइस जेट की हवाई जहाज में 50% फ्यूल किसानों ने तैयार की हुई ऊर्जा उसमें डाली थी, उसके ऊपर हवाई जहाज आया। टाटा के विस्तारा कंपनी का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए 50% बायोफ्यूल पर आया। बहनों और भाइयों, अब हमारे यहां बजाज टीवीएस हीरो की स्कूटर भी 100% बायो इथेनॉल पर आई है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल का होता है। अब यह पैसा किसानों के जेब में जाएगा। केवल किसान ऊर्जादाता, केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बनेगा। और मैं तो शिवराज जी को कहूंगा कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, सोलर पावर है। अब सोलर पावर जहां तैयार हो रही वहां इलेक्ट्रोलाइजर लगकर पानी से हाइड्रोजन निकालकर, हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है, मैं लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक फ्यूल हाइड्रोजन है। हमारी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, हमारे यहां कोयला यूज नहीं होगा, ऑयल यूज नहीं होगा, अब हाइड्रोजन यूज होगा। और मेरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद के साथ आने वाले समय में मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसी अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से अब एविएशन फ्यूल का दाता, और अब परली से अब तो हमारे यहां बिटुमिन भी तैयार हो रहा है, रोड भी बन रहे हैं। शिवराज जी, आप अभी पानी की बात कर रहे हैं, हमारे पैर ऐसे शुभ है कि आज हम खंडवा में आए हैं और हमारी सभा समाप्त होने के बाद धुआंधार वर्षा होने वाली है। आप चिंता मत करिए, अच्छे कार्य को भगवान का भी आशीर्वाद है। आपको केवल यहां खंडवा और बरहानपुर की जनता, निमाड़ की जनता का आशीर्वाद नहीं है,
तो वरुण राजा भी आशीर्वाद देने के लिए पधार रहा है, यह आपकी पुण्याई है। मुझे विश्वास है कि गांव के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव समृद्ध और संपन्न बनने चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे बन रही है वैसे स्मार्ट विलेजेस बनने चाहिए। मैं शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने बड़े प्रमाण पर देश में रिकॉर्ड तोड़कर 44 लाख लोगों को उन्होंने घर बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाकर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्य योजना हो, जहां 5-6 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में थे, शिवराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 से ज्यादा हुई है। मेरा विश्वास है कि लोगों को क्या चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, और पानी के लिए कुएं पर ऊर्जा का सौर ऊर्जा का पंप मिल रहा है, और जो फसल निकलेगी उच्च अच्छा भाव चाहिए। गांव में उद्योग चाहिए, अगर उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। एक तरफ शिवराज जी ने उनके नेतृत्व में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मैं तो रोड की बात करूंगा ही नहीं क्योंकि आप तो देखते ही है कि रोड कैसे बने हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इंदौर से हैदराबाद रोड बना रहे हैं हम लोग, दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं। आप मध्य प्रदेश का काम तैयार हुआ है, हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आप डेट दीजिए। इंदौर से हैदराबाद 18,000 करोड़ का रोड बन रहा है, जो इंदौर से खरगोन, खंडवा, बरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक बनेगा, और इंदौर से खंडवा तक 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनेल, 3 वाइडक का भी हम निर्माण कर रहे हैं, और इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब बाद में केवल 1 घंटा लगेगा। बुरहानपुर से इंदौर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं अर्चना जी को विश्वास देना चाहता हूं कि बुरहानपुर से आप 2 घंटे में इंदौर पहुंच जाओगे। ये जो क्रांति हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, 24 घंटे बिजली मिल रही है, अच्छे रोड बन गए हैं, पीने के लिए पानी है, इंडस्ट्री के लिए पानी है, खेत के लिए पानी है, और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन या टेली कम्युनिकेशन की भी सुविधा हुई है। मध्य प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है, बीमारू राज्य के नाम को नाम बदलकर देश का एक विकसनशील ग्रोथ इंजन, विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। ये जन आशीर्वाद यात्रा आपको आशीर्वाद मांगने के लिए आई है, मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आई है, मध्य प्रदेश के किसानों को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने का जो वादा है उसका पूरा करने के लिए उसका आशीर्वाद मांगने के लिए आई है, और वह आशीर्वाद ये मध्य प्रदेश की जनता की तस्वीर को बदल देगा। मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी आने के पहले रोड की हालत कैसी थी, मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था, रोड पर इतने गड्ढे थे तो मेरे साथ बैठे हुए लोग कुछ स्कूटर पर जाकर मुझे देख रहे थे, तो कार्यकर्ता में एक व्यक्ति जा रहा था अपने पत्नी को लेकर और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, तो मैं मुझे वो बता रहा था देखो आपको देख रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये मध्य प्रदेश की हालत थी। शिवराज जी मेरे पास आए, बोले राष्ट्रीय महामार्ग को डी रिकॉग्नाइज कर दो, हटा दो राष्ट्रीय महामार्ग का नाम, हाईवे हमको वापस कर दो,
हमारी हालत खराब है। मैंने शिवराज जी को विश्वास दिलाया कि चिंता मत करिए, अब शासन बदला है, अब कांग्रेस का नहीं भाजपा का शासन है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हम मध्य प्रदेश के तस्वीर को बदल देंगे। और आज मैं आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे रोड नेटवर्क में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। और इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मोदी जी को नहीं है, इसका श्रेय शिवराज जी को नहीं है, इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई इस मध्य प्रदेश की जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो ये काम करने का मौका ही हमको नहीं मिलता। और इसलिए बहनों और भाइयों, आने वाले इस समय में फिर से एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, वनवासी, इनका सबका कल्याण करने के लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको एक नई दृष्टि के साथ एक नया मध्य प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। वही आशीर्वाद हमारी यात्रा, यह जन आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद आप दीजिए। यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।